वो जो कहते हैं जिसको शंकर, वो शंकर शंकर नहीं है, वास्तव में शिव है। क्या? हाँ, राम का जब जन्म होता है, राम का जन्म अर्थात किसका जन्म? किसने के जन्म में? बाप के रूप में प्रजापिता वाली आत्मा जब प्रत्यक्ष होती है तो वो एक तरह का बंदर ही है और वो अंत तक रहेगा। जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो, जब तक संपूर्ण राम राज्य ना आ जाए तब तक वो बंदर रहेगा जरूर। अरे जब हम कोई परमनाम पे जाते हो तो कहते मैं तुम बच्चों को वापस लेकर के जाऊंगा, ऐसे नहीं चला जाऊंगा। मैं किस लिए आया हूँ? मैं तुम पतितों को पावन बना करके ले जाने वाला हूँ या बीच में छोड़ जाऊंगा? तो ब्रह्मा का तन छूटा, लेकिन जंगल में एक शेर मरता है तो दूसरा शेर आ जाता है। तो ऐसे ब्रह्मा की सोल जाती है तो राम की सोल उसी साल आ जाती है। और बाबा प्रत्यक्ष नहीं होती युगल को। तो ये आपने श्रीमत दी है कि गीता पाठशाला चलाएंगे कुमार भाइयों के लिए, क्या श्रीमत बता दिया? भाई भाइयों को समझे, माताओं को कन्या माताओं को समझे। लड़क रहती है, हम क्यों नहीं समझा सकते कन्या माता? हम समझ नहीं आया क्यों नहीं समझा सकते? नहीं समझ में आया बाबा ने कहा सबको दुर्योधन तो दुर्योधन दुशासन बैठ के पढ़ाई पढ़ाएंगे तो कौन सी पढ़ाई पढ़ाएंगे? कपड़ा तो नहीं
हेमंत भाई का चेहरा भटक रहा है, क्या बात है? भाइयों को समझाओ अगर 2018 में संवत एक शुरू होगा तो ब्राह्मणी दुनिया की बीच की बात है या सारी दुनिया की बीच? सारी दुनिया की पहले बात करो, बच्चा पहले पैदा होता है तो घर वालों को पता चलता है, बाहर वालों को पता चलता है? तो पूरा ब्राह्मण परिवार ये बाहर की दुनिया में पता चलेगा, पहले तो ब्राह्मण परिवार के लोग जानेंगे, पहले तो एडवांस वाले आज पक्के होते हैं और कल कच्चे हो जाते हैं, आज नित्य बुद्धि होते हैं कल अनित्य बुद्धि होते हैं, पहले तो एडवांस परिवार के लोग जाने। तो जो है आते हैं तो बाबा ने तो कहा है कि मैं सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ। सूक्ष्म शरीरधारी पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं? पवित्र। तो पवित्र में शिव बाबा आता है या अपवित्र में? पतितन में आता है या पावनतन में आता है? पतितन में आता है। और सूक्ष्म बदन में आके क्या करेगा? पतित है, साकार दुनिया में है या सूक्ष्म बदन में? जैन का अर्थ क्या है? जित जित और न, जो किसी से जीता न जा सके उसका नाम हुआ जिन। क्या जिन माने? जो प्योरिटी में पक्का हो जाता है उसे दुनिया में कोई जीत नहीं करता। जैसे गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र में और गुरु वशिष्ठ में झगड़ा हुआ, विश्वामित्र क्षत्रिय थे और वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे, उनमें पवित्रता की पावर थी। विश्वामित्र ने अपने सारे शत्रु उनके ऊपर छोड़ दिए, प्रहार कर दिए, उनका मुझे बार मंगा नहीं हुआ, वो अपना पवित्रता का दंड दाखिल कर देते। एक ही दंड से उनके सारे दर्शन काट दिए। तो पवित्रता प्योरिटी की पावर दुनिया के बड़े से बड़े काम करके दिखाती है। क्या पवित्रता से ही दुनिया के सारे काम होते हैं ये दुनिया नहीं जानती। पवित्रता बहुत बड़ी पावर है। देवता है जो 2500 साल सुखी रहते हैं, कौन सी पावर से सुखी रहते हैं? प्योरिटी की पावर से सुखी रहते हैं। जब इम्प्योर हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं। बाबा एक 41 में जब आगे प्रजापति का छोड़ा, इसके बाद 43 में ब्रह्मा के पास नहीं आए बाबा, जब तक कहाँ रहे? माताएं नहीं थी? ऐसी ऐसी बच्चियाँ थी जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। ऐसे है कि नहीं? 10 साल से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को ड्रिल कराती थी, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। माना अकेले प्रजापिता ने ही प्रवेश नहीं किया, कोई माताएं भी थी जिनमें से कोई माता में प्रवेश होता था, उनकी डायरेक्शन पर मम्मा बाबा भी चलते थे। वो बैठ करके सबको दृष्टि देती थी, ड्रिल कराती थी। इसे क्या साबित हुआ? एक ब्रह्मा है या 2-4 ब्रह्मा है? जितने में प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो कितने ब्रह्मा दिखाई गए हैं चित्रों में? ब्रह्मा के 4-5 दिखाई गए। इसे क्या साबित हुआ कि 4-5 ब्रह्मा है? बाबा एक मुरली में बाबा ने बोला कि सत्यु में पूरे 9 लाख भी नहीं होंगे। सत्यु के आधे, सत्यु माने पक्का सत्यु, जो 100% सत्यु होता है उसमें 9 लाख भी। वो महावाक्य निकाल के उसकी तारीख निकाल ले, क्या इसकी हमें जरूरत थी? क्योंकि अभी तारीख थी नहीं, और लोगों को ये समझाना है कि जब सत्यु शुरू होगा तो एकदम 9 लाख आबादी नहीं हो सकती। सत्यु के पहले जन्म के अंत में 9 लाख आबादी होगी। जब सत्यु के आज में ही अगर 9 लाख आबादी हो जाए
तो सब धर्म की बीज रूपात में उसमें भूत पड़ेगी या सूर्यवंशी बीज रूपात में होगी? सब धर्मों की बीज रूपात में भूत पड़ेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। सब धर्मों की बीज रूप आत्माओं में मोटा छिलका पतला छिलका होगा या सिर्फ सूर्यवंशियों का छिलका पतला होगा? सूर्यवंशियों का छिलका पतला होता है और धर्म वालों का छिलका मोटा, का छिलका बहुत मोटा होता है। तो वे एकदम जैसे पंख बन जाएंगे और कंचन काया वाला शरीर ले लेंगे, उसको कह देगा। तो सत्युग की एकदम आग में जोड़ा था भाई, इतने ज्ञान। अभी जो तुम ज्ञान सुन रही हो बहन, उसको पता है तो क्यों कहती इतने ज्ञान? किस बात में? ज्ञान को जानने रावण क्या करता था? रावण जानता था कि नहीं ये भगवान है? जानता था, लेकिन जानबूझ करके फिर विरोध करता था। तो माया रावण भी क्या करेगा? यही करेगा। गांधारी क्या करती थी? अंधी थी, उनके जानबूझ के पट्टा बांधा हुआ, जानबूझ के पट्टा बांधा हुआ। तो ऐसे ही वो जानती, लेकिन उन्होंने सोचा, अरे जब हमारे ब्रह्मा बाबा ने नहीं जाना, उन्होंने नहीं माना प्रजापिता को भगवान, उन्होंने ब्रह्मकुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय नाम डाल दिया, वो तो प्रजापिता को तो प्रजापिता नहीं माना, तो हम क्यों माने? हम तो ब्रह्मा को भगवान मानेंगे, हम किसी आदमी को भगवान हाथ पकड़ लिया, तो हाथ पकड़ने से तो काम चलने वाला खड़ी थी, न्यूट्रल रही, उन्होंने भी धारणा की, उन्होंने भी धारणा की नहीं की, उन्होंने ही धारणा की ज्ञान की। जो ज्ञान की धारणा करता है वो ज्ञान को प्रैक्टिकल में चलन में ला करके दिखाएगा। क्या? जो प्रैक्टिकल में ज्ञान को चलन में ला के दिखाएगा वो अभिविचारी बनेगा बनाएगा कि व्यभिचारी बनेगा बनाएगा? अभिविचारी बनेगा और अभिविचारी बनाएगा। महाकाली क्या करती है? व्यभिचारी बनती है और व्यभिचारी बनाती है। महाकाली मांसाहारी देवी है कि शाकाहारी है? मांसाहारी। इसे दो तरह की देवियां हो गई, एक है लक्ष्मी भारत माता शिव शक्ति अवतार और एक है देवताओं और असुरों दोनों की अंबर जगदम्बा। इसकी देवी के नौ रूप दिखाए जाते हैं, देवी एक ही है, देवी एक ही है, एक ही मम्मा, एक ही ओंकार की मम्मा, नौ कन्याओं में प्रवेश करके अलग अलग प्रकार का पाठ हो जाती है। पंचन काया दो मनुगी हो जाएगी, नहीं होगी? जो भी बच्चे पैदा होंगे उनकी कंचन काया नहीं होगी? सत्यु में क्या त्रेता में भी कंचन काया होगी, कोई दूर रोग नहीं होगा। कंचन माने सोना, सोने जैसा शरीर कौन से गुण होता है? सत्यु में सोने जैसा शरीर होता है, इसलिए कहते हैं कंचन काया। होती क्योंकि चांदी की खाद पड़ गई, द्वापर युग में तांबे की खाद पड़ गई, तांबे जैसी कामी और क्रोधी लाल लाल काली काली जैसी आत्मा, तो सोने में रंग बदल गया, मन बदलेगा ही नहीं। और कलयुग जब शुरू हुआ तो लोहे की खाद पड़ गई, लोहे जैसी एकदम पत्थर भद्दी आत्माओं ने ऊपर से आकर के प्रवेश ढेर की ढेर थोड़ी नहीं, तो संसरण लग गया। बाबा बोलिए, अठारह अंक बहुत महत्व है, अठारह अंक बहुत महत्व है। नहीं है महत्व, क्यों अठारह का महत्व नहीं है? 2018 में क्यों राधा राम कृष्ण और शिव प्रत्यक्ष होता है? 18 में
जाति के ऊपर टैक्स हुआ है। कलयुग स्टूडेंट के बाद दिया गया था, कलयुग स्टूडेंट के बाद 18 वर्ष के बाद उसको होगा है। कलयुग स्टूडेंट के बाद 2004 में 2004 में 18 वर्ष के बाद पूरी सेट करी 18 वर्ष दिया था, 18 वर्ष होगा। नहीं नहीं कलयुग स्टूडेंट तो 4 साल की बताई, 2004 में स्टूडेंट है 40 साल, इसलिए 16 साल है मुख्य क्या, और त्रेता युग की शूटिंग है 12 साल क्या, 75 से लेकर के 88 तक का। 98 से लेकर के शुरू होती है, लेकिन एक वर्ष 98 में जो किया जाता है रूम का तो 99 हो जाता है, और 99 से लेकर के 2003 तक 4 साल पूरे होते हैं, और एक वर्ष रूम का जोड़ा जाता है, 2004 में पूरा हो रहा है। इसके बाद 2004 के बाद 18 वर्ष क्यों, 2004 के बाद 18 वर्ष जोड़ेंगे तो मालूम कौन सा समय आएगा, जाएगा जो ज्यादा अधिकारी होते हैं वो अंतिम जन्म में आकर के राम वाली आत्मा से ज्यादा चिपकते हैं। सांप चिपके हुए रहते हैं कि अलग रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। जानते हैं इनका संग का रंग लेंगे तो हम भिखारी से क्या बन जाएंगे, फिर भिखारी बन जाएंगे। बाबा कई बार इतना आपका तो कोई बोलते नहीं, फिर कहते हैं कोई श्राप देता नहीं है, फिर कहते हैं कि दफ्तर जी को श्राप लगी कारण शास्त्रों में बातें लिखी हुई है, त्रेता युग की, सतयुग की, दूसरे दूसरे युगों की, द्वापर युग में कृष्ण हुए, वो संगम युग की बातें हैं या वास्तव में सतयुग त्रेता द्वापर की बातें हैं, संगम की बातें हैं। बाबा शंकर जी के हाथ में त्रिशूल और डमरू दिखाते हैं, त्रिशूल तो इसलिए कि बुद्ध रूपी हाथ में उनको तीन कांटों का ज्ञान रहता है, ब्रह्मा का कांटा, विष्णु का कांटा, शंकर का कांटा। ब्रह्मा का कांटा निकलता है तो नौकरी दुनिया वालों को बहुत दुख होता है, होता ही नहीं। फिर शंकर का कांटा निकलता है तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, विष्णु वालों को बहुत दुख होता है। फिर विष्णु का कांटा निकलता है क्या, जब विष्णु कांटा निकलता है तो एडवांस में जो झूठे झूठे विष्णु पार्टी वाले निकलते हैं तो उनको बहुत दुख हो जाता है। बाबा श्रवण कुमार जी से अंधे माँ बाप को वो चार धाम करा था, अंधे माँ बाप कौन कृष्ण के माँ बाप अंधे थे, अज्ञान के अंधे थे या सोच रहे थे, हरेक बात की कोई मियाद होती है, सौ पाप माफ कर दिए क्या, सौ पाप माफ कर दिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बाबा कहते हैं कि तुम अगर पाप करते हो दुनिया में बिना ज्ञान लिए तो एक गुना पाप करता है, और यहाँ कितना गुना करता है, सौ गुना पाप करता है, और शिशुपाल तो शिशु माने बच्चा बुद्धि को तो ज्ञान तो होता नहीं, इसलिए कहा चलो तुम्हारे ऊपर सौ गुना बोझा नहीं करता, तुम सौ बार पाप करोगे तो हम तुम्हारे माफ करेंगे। किसको पालता था वो, शिशु बच्चों को पालता था शिशुपाल, यहाँ ब्राह्मणों के परिवार एडवांस की दुनिया में भी ऐसे शिशुपाल बहुत से पैदा हुए, बहुत गले आते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। और पालना किसकी करते हैं, जिन्हें मुरली का कोई ज्ञान नहीं, चार चित्रों का कोई ज्ञान नहीं, क्या ब्रह्म कुमारी विद्यालय का भी ज्ञान नहीं, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बेसिक नॉलेज में क्या ज्ञान की गहराई है वो भी नहीं जानते, ऐसे ऐसी कच्ची कच्ची कमजोर आत्माओं को अपने अंदर में करके विष्णु पार्टी बना के बैठ जाते हैं, गाली देते हैं। कलयुग और सतयुग के अंत में बिल्कुल एक ही टेस्ट, देखो पावर
है, और पहाड़ ये चोटी है, तो इधर से ट्रेन चलेगी तो एक ही तो चलेगी, फिर इधर से जो ट्रेन चलेगी एक ही चलेगी ना, और उधर से चलेगी तो एक ही ट्रेन चलेगी ना। जैसे यदि के याद में 1947 हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, खून खराबा हुआ, खून की नदियां बही, तो पहली ट्रेन से जो निकल गए तो निकल गए क्या, पहली ट्रेन से जिनको निकल जाना था तो निकल गए, बाकी दूसरी तीसरी चौथी ट्रेन जिन्होंने पड़ोसा पाटा लिए। बाबा बताते हैं वाल्मीकि जी ने रामायण पहले लिख दी थी, और उसी को देखते हुए पदचिन्हों पर चलते हुए राम जी ने अपना चरित्र दर्शाया है। जो अभी साहब लिखे गए हैं वो कौन से युग में लिखे गए, और राम की अवगति की कहानियां किस समय की है, भूल रहे तुम तो खुशी से तो भूल गए। बाबा अष्टदेवों में आने के लिए बाबा खीर पूछा कैसे क्या है, अष्टदेवों में आने के लिए खीर पूछा कैसे क्या है बाबा, एक याद क्या है, जब अष्टदेवों की परीक्षा शुरू होती है, रिजल्ट शुरू होता है, तो तुम्हें पता नहीं है कि पहली पहली परीक्षा का प्रश्न क्या है, मैं तुम्हारे हो गया अपने देह से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधियों से, देह की कर्मेंद्रियां से तो भोगती है ना, संबंध जोड़ करके बात बात के उन सबसे क्यों होगा, जो परीक्षा में पास होते हैं पहले पहले वो आज भी लिखी है। सिंहासन रखो, गणों मूर्ति रखो, मूर्ति के ऊपर ताज रखो, मना कौन करता है, बाबा कहते खूब भक्ति करो ना, जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो भक्ति उड़ जाएगी, जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है अरे सोने का सिंहासन जाके मारने के बैठ तो पैसे मिलेंगे, ज्ञान बुद्धि में बैठ जाओगे तभी तो, नहीं तो जैसे हर बापे भगवान का सिंहासन पता नहीं क्या हो जाएगा। हम तो नहीं भक्ति छूट गई होते रूपा भी आया, राम जी आया, ख्याल आया, राम जी आया, राम की और कृष्ण की याद क्यों आ जाए, जब भगवान का पता चल गया न, राम भगवान न कृष्ण भगवान, भगवान तो शिव बाबा है, वो तो ठीक है, वो तो मोटी मोटी बातें हो गई, लेकिन गले की कटकी माला, माथे की बिंदिया, हाथों की चूड़ियां, ये ढोकला पहन करना मुश्किल है, चूड़िया पहनो, बिंदिया पहनो, आजकल तो लिपस्टिक लगा के चलो बहुत हो गया है, निभाना चाहिए, अगर नहीं पहनते हैं तो अच्छा सब लोगों की बातों को मानना चाहिए, सब लोग जो कहते हैं लोकला, सब लोग, सब लोग का मतलब है लोकला, लोक माने लोग, क्या लोग के इस दुनिया के लोग क्या कहते हैं, जो खत्म होने वाला लोग है उसकी बड़ी चिंता है, और जो दुनिया सामने खड़ी हुई है, नई दुनिया आने वाली है, उनका कौन ही मान लिया, 50 साल नहीं है,
मुझसे से 20-25-30 साल में बाबा यही वाणी को सुन करके हमारी जो योगन है उन्होंने सारा मतलब जीवन काट दिया था। उतार दिया आपकी योगन ने? आपको बुरा नहीं लगा? नहीं हमने भी पूरा मतलब मंगल सूत्र वगैरह विधि वगैरह पूरा कर दिया। ये बाबा नहीं कहेंगे कि करो कि न करो, बाबा स्वयं खूब भक्ति करोगे, भक्ति पूरी करोगे तो तुम्हें भगवान मिलेगा, भगवान से तुम्हें ज्ञान मिलेगा। नहीं तो तुम्हें अधूरा भगवान मिलेगा, अधूरा अधूरा ज्ञान मिलेगा। अब आज भगवान मिला है, कल परीक्षा माया लेगी, फाइनल परीक्षा बच्चा चारों तरफ टीवी में निकला, अखबारों में निकला और रेडियो में निकला और चारों तरफ से हो अल्लाह बच्चा। अरे बाप रे, यही तो बड़े भ्रष्ट है, अरे इन्होंने कैसा भगवान बनाया हुआ है, इनका भगवान कैसा है, दिलचारी है, ऐसा है वैसा है, तो चारों तरफ भगवान का जो उड़ेगा अभी आपने द्वारा की स्थापना की 20-25 साल रहे, इसमें से कौन रह रहे 20-25 कितनी साल रहेंगे? पहले मरेंगे बचेंगे कौन सी जो पक्के होंगे दो अंक तक बचेंगे सारे बचेंगे। संगम कितने साल का? 100 साल का पूरे होते हैं। बाबा द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है इनका रहस्य बताइएगा, जैसे बताते हैं ज्योतिर्लिंग पहचान है तो जैसे त्र्यंबकेश्वर गए हैं हम वहाँ। दुनिया में जितने भी मनुष्यों की कैटेगरी है उनको 12 भागों में बांटा गया। हर मनुष्य की कोई न कोई 12 में से एक कैटेगरी होती है। आपकी कौन सी राशि है? हमारी ये राशि। तुम्हारी कौन सी राशि है? ये राशि है। 12 राशियों के अंदर दुनिया के सारे मनुष्य है या उससे बाहर है? 12 राशियों है। लेकिन 12 राशियों में से कौन से धर्म से किसका कनेक्शन है ये एक और विशेष बात। क्योंकि दुनिया में 9 ऋषि पहले हुए, अर्थदेव अर्थरतन नवरतन माने जाते हैं ना, तो 9 आत्माएं विशेष हुई। उन 9 आत्माओं के जो 12 के विशेष गुण थे अब्बल लंबल वो ही 12 राशियां हर एक के अंदर। तो 12 ले लो 108 की माला बोली, ये 108 बीज है चुने हुए दुनिया, उनमें सबसे श्रेष्ठ 12 कौन से हैं? जो पहले नंबर के हैं सूर्यवंशी, वो ही है, वो सूर्यवंशी है माने ज्ञान सूर्य डायरेक्ट उनमें प्रवेश करता है, इसलिए उनको ज्योतिर्लिंग हम सेवक हैं, ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। और धर्म से जो 12 है उनको ज्योतिर्लिंग नहीं कहें। बाबा मधुबन में जो मिनी मधुबन है उसमें महारानी कब आएंगे? महारानी जब तुम बुलाओगे तब आएंगी, बिना बुलाए क्यों आएंगी? जो पवित्र आत्मा है वो भी मान सम्मान चाहती कि नहीं चाहती? ब्रह्मा बाबा है बुलाने के आते हैं बिना बुलाए आ जाते, बुलाओगे तो आएंगे। शिव बाबा तो गुणमान मतवा नहीं उनको, तुम बुलाओ या न बुलाओ अरे आज आके बैठ गए चले जाएंगे, पता ही नहीं अभी उठ के चले जाए। बाबा मोदी तो बाबा बुलाया है तभी आए, अरे बच्चों के बुलाने पे ही तो आए, कृष्ण जन्म बुलाते रहे तभी तो आए, तो ये भी कह रहे हो अरे हमने कृष्ण जन्म बुलाया था। अभी भी तो पहचान नहीं है, अभी वाले हैं तो बाबा आ गए
बिना किस्मत के आओ ना। शारीरिक यात्राएं बहुत की है प्राप्ति करने में। शारीरिक यात्राएं बहुत की है जी बाबा। अभी शारीरिक यात्राएं हो रही कि नहीं? आप तो बन गई कन्या को अभी भर्ती करा देते हैं। हाँ, उसके बाद वो शादी कर लेती है। करने के बाद शादी कर लेती है। तो उसके बाद वो किससे पड़ेगा, बंदे में पड़ेगा या उन्हीं से पड़ेगा? जब उनको भर्ती कराने ले गए थे तो फर्क लिया था कि ये देखने जा रही है सिर्फ या देखने जा रही है या पक्का करने जा रही है? जी फर्क कर गए बाबा, फर्क करके गए थे। उस समय तो उनके अंदर ये बात नहीं थी जी। हाँ नहीं, पक्का निश्चय बुद्धि थी जी बाबा। फिर बाद में संगरंग लग गया तो ले जाने वाले का क्या दोष? और ले जाने वाला तो सुभावना से ले गया। हाँ, सुभावना के साथ साथ ले जाते समय कुछ अड़चन पैदा कर दी हो, कुछ गड़बड़ कर दिया हो तो पाप लगे। बाबा मूल निमन बोला है कि घर लेती है सारी तोड़ने वाले होंगे परमात्मा को याद कर। हाँ, जितना रहती की तोड़ तो है। हाँ, ये नहीं कपड़ा पहनना जी, घर व्यक्ति की तोड़ तो है बाबा। घर व्यक्ति की तोड़ है, यहाँ आके तोड़ने वाली क्या जरूरत है? तो बाबा मुरली में तो बोला है यहाँ आके, यहाँ कोई गृहस्थी बैठी है क्या तुम्हारी लौकी? नहीं, यहाँ तुम्हारी लौकी गृहस्थी बैठी है? फिर यहाँ तो आके उतार दो, जब आत्म है तो सब कुछ पहने रहो, तो आत्मा सही है, सब कुछ आत्मा है। मना थोड़ी किया जाता है, तो पहनो मंदिर में शिवलिंग है और चूल्हों को उठा ले जाते और कौन सी भी मूर्ति नहीं उठाते, शिवलिंग मूर्तियाँ उठा ले जाते हैं, चोरी करके ले जाते हैं, बेच देते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, लाखों लाख रुपए की बेच देते हैं। जैन मंदिर की चोरी होती है, जैन मंदिर की मूर्ति है ना, जैन के बारे में खुद क्या जैन नाम जैन धर्म का अलग से वर्णन क्यों नहीं है? सब धर्मों का वाक्य आया हुआ है, जैन धर्म का कोई वाक्य नहीं है। इसलिए वाक्य नहीं है कि जो देवी देवता सनातन धर्म है वही वास्तव में जैन धर्म है। जित माने जीतना, जो स्त्रियों को जीतते हैं उनसे ही उनको ही कहा जाता है जैन धर्म के बारे में फॉलो करने वाले। जित माने जीतना, वो दो तरह के होते हैं, एक दिगंबर एक पैताम्बर। पैताम्बर माने जिन्होंने कपड़े पहने क्या, वो नीचे मंदिर दिखाए जाते हैं, जैसे बड़ा मंदिर नीचे बना हुआ है, और एक है दिगंबर, उनके ऊपर मंदिर बनाया जाता है, वो नंगे दिखाई जाते हैं। नंगे का मतलब हमारा शरीर भी वस्त्र है। मंदिर है बाबा दिगंबर मंदिर, दिगंबर मंदिर ऊपर है, बड़ी बड़ी दिगंबर मंदिर, ये माने ब्रह्मा और ब्रह्मा की फॉलोअर्स की यादगार सफेद कपड़ों की बनी हुई है नीचे, वो नीवी स्टेज वाले वेदनाथ वाले, और वो है ऊंची स्टेज वाले। आप क्या पहने हुए? क्या पहने हुए? रिंग पहने हुए। मैंने बीमारी का इलाज न करे, भिखारी लोगों को सुनाएंगे या सुनाएंगे? भिखारी लोगों को, भिखारी लोगों को तो जो ब्रह्मा बाबा की मुक्ति चलाई मुरली वो भी नहीं सुनाना चाहिए? कोई कोई आ जाता है बाबा तो क्या, आ जाते हैं तो रखो बाद में आना, जब कोर्ट भी नहीं गया तो मुरली क्यों सुने? और बाबा जी ये मुरली आना बंद हो गई है तो उसके लिए फिर अपना ये गीता था ये भी करते रहे, ये चीज खंड के लिए मुरली सुनाने वाला कौन है?
परमात्मा पहले किसने सुनाई परमात्मा शिव बाबा वहाँ आता है नहीं कलकत्ता में शिव बाबा जहाँ से मुरली छपके आ रही है वहाँ शिव बाबा आता है तो कहेंगे तो मुरली मुरली चिल्ला रहे वो बंद हो गई है जब शिव बाबा वहाँ आता है तो मुरली का तबे तुम्हारे मुरली नहीं मिली शिव बाबा को बाबा उनको पता चल गया है कि ये बाबा से भक्ति करके आए हैं तो ये बाबा भी मिलेंगे उन्होंने कहा उन्होंने ये ज्ञान तो छोड़ दिया है बेसिक का तो निराश हो गए हैं इसलिए दीदी ने मुरली लेना बंद कर दिया है थर्ड क्लास होती है में सुनेंगे वो सेकंड क्लास अरे थर्ड क्लास मुरली मिस नहीं करना है कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मिस नहीं करना है फर्स्ट क्लास मिस तो अभी तुम सुन रहे फर्स्ट क्लास रोज हो रहा टीवी में देख सकते हैं हम नहीं कर सकते माता सुन रही हो सुनने वाली आपने कही ना थर्ड क्लास है और टीवी में देखने वाली कागज मुरली थर्ड क्लास मुरली बोला कागज में जो पढ़ते हैं पढ़ करके सुनाते हैं वो थर्ड क्लास और जो टैप निकाल में सुनते हैं बाबा की वाणी बाबा की मुख से बाबा की आवाज में वो है सेकंड क्लास और जो टीवी में देखते हैं वो है गुड सेकंड क्लास गुड सेकंड क्लास और जो बाबा के सन्मुख बैठ के सुनते हैं वो है फर्स्ट क्लास मुरली तो तुम कहते फर्स्ट क्लास मुरली रोज सुन नहीं सकते ये बात गलत है आदमी क्या नहीं कर सकता टीवी वहाँ पे ये टीवी है वो टीवी 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 वाली तो फर्स्ट क्लास है ही नहीं वो तो गुड सेकंड क्लास है बाबा के साथ ब्राह्मण नहीं गए जैसे कहते हैं ब्राह्मण बन गए तो ब्रह्मा बाबा ने रास्ता दिया ब्राह्मण बन गए मधुबन जाने पे क्या ब्राह्मण बन जाते हैं क्या मतलब नहीं है वहाँ मधुबन की बात नहीं है और ना वहाँ ब्रह्मा बैठा है वहाँ तो ब्रह्मा भी नहीं बैठा वहाँ जाते हैं वहाँ ब्रह्मा बैठा हुआ है क्या मुरली में बोला है उन ब्राह्मणों से पूछो तुम अपने को ब्रह्मा के औलाद ब्राह्मण कहते हो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है तो कहते पूछो इस बात बात का जवाब उन ब्राह्मण से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है तो कहेंगे सूक्ष्म मतन तो सूक्ष्म मतन और ब्रह्मा तुम्हारा बैठा तुम यहाँ कहाँ से आ गए तुम भी सको ब्राह्मण किसको कहा जाता है ब्रह्मा की औलाद तो ब्रह्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सत्य में तो तुम हो ब्रह्मा की औलाद ब्रह्मा की औलाद जब औलाद बनती है कोई आत्मा शरीर छोड़ती है अपने बाप के घर में जन्म लेती है तो बाप के घर में गए बगैर जन्म बाप बाप का बच्चा बन जाता है जाना पड़ेगा नहीं जाना बाबा डेली सर में अगर सुनना है उसकी इच्छा है हाँ। तो हमारा कौन करेगा नहीं करेगा लेकिन अपनी दिक्कत करो अपनी दिक्कत लोट लगा लो अरे पीटीआई क्या करेगा उतार देगा उसी टाइम फिर चल जाओ बात है बहुत मनाई जाती है और लोट देख के कहेगा जो मतलब जो मुर्दा मरता उसकी भस्म लगती है तो इसका क्या हुआ पैड़ी का मतलब ताजा जो मरेगा मरेगा मन जीते जी जो मर जाए वो उसने अपने देवान को भस्म कर दिया उसने अपने देवान को भस्म कर दिया वो भी भस्म भगवान को लगेगी दूसरी भस्म सही भस्म बेकार एक मुख हुआ चार पाँच लोग का एक मुख हुआ
पांच मुख का हो गए, ब्रह्मा का एक मुख, फिर प्रजापिता का एक मुख, फिर प्रजापिता के साथ जो प्रजा माता होती है उसका एक मुख दिन हो गए, और दो यदि के आदमी पांच हो गए। और जैसे एडवांस में जो है, जैसे कैसे कोई नया जैसे अभी तक आया है कि भिखारी को मुरली नहीं सुनाना है, तो बाहर की जैसे एडवांस पार्टी में कैसे और मुरली निकलती हैं, उनको बाहर के लोग अगर सुन लेते हैं, दो शब्द भी सुन लेते हैं, तो उनको इतना निश्चय पक्का हो जाता है और वो आकर के ज्ञान को उठाते हैं और जिस पर भर्ती के लिए तैयार होते हैं। तो जैसे ये प्रश्न है कि भिखारियों को नहीं सुनाना है, लेकिन सबसे एक चीज और आती है कि भेड़ियों के साथ भेड़िया बन करके उसको निकालना है, कैसे अभी बीज रूप आत्मा थी तो बाहर की दुनिया में अभी पड़ी हुई है ना बाबा, ठीक है, तो उनको कैसे, वो तो भिखारी ही है, भिखारी है तो उनको फोर्स नहीं किया जा सकता, देखा कि उनके अंदर फोर्स नहीं भरा है, पहले तो मुरली सुन के निश्चय होता था, मुरली मुरली चीज आ रही सुनाना चाहिए, तो कैसे ले लो सुन लेते हैं, सुन लेते हैं बाई चांस हुआ ना पूरे जन्म में ब्रह्म कुमार रहे हो, लेकिन जो भी बीज रूप है वो पिछले जन्म में बीज रहे होंगे तभी तो बीज रूप होगी, नहीं तो अगर आज में बीज नहीं है तो बीज कहाँ हुआ, आज में जो नहीं थे ज्ञान भी नहीं थे वो बीज कैसे हो गए, कई फिल्म में बाबा को देखे प्रभावित होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार होंगे वो ही तो प्रभावित होंगे या सब प्रभावित हो जाएंगे, तो मैं उनको फिल्म में दिखाना होता हूँ बाबा, जो पति का उसका फोटो क्यों रखे, हम भी पति बन जाएंगे, फोटो के लिए रखा जाता है दर्शन के लिए, महिमा के लिए है, और उसको देखेंगे वो याद आएगा, पतित को देखेंगे तो पतित याद आएगा, क्या खराब बात है, उसको अच्छा लगता होगा ब्रह्मा कुमार जी मुझे, तो बाबा जब सेवा करने के लिए जाए तो कुछ माताओं को साथ ले जा सके ना, जाओ क्या बाबा को माता कम उम्र की माता उम्र ले जाओ तो और अच्छा असर पड़ेगा, वायु संदेश दे सकते हैं लेकिन कोर्ट नहीं लगा सकते, वायु जो है जब नहीं मिलेगा कोई अवेलेबल नहीं हो तो करा दे तो क्या दे, थोड़े ज्यादातर कुमार तो हमने विदेश में कुमार तो 70% कन्याओं को ही पकड़ते हैं सुनाने के लिए, संदेश तो दे सकते हैं ना, संदेश तो संदेश कितनी देर में, दो मिनट तो संदेश हो जाता है, होने वाला है नहीं दुनिया आने वाली है, भगवान ने सच्ची कहा गया समझना हो तो आओ, दुनिया दे रहे कन्या भाइयों की सुविधा सुनने से वो आती है, कन्या ब्रह्मा कुमारियों ने ये तरीका निकाला है, ऐसा तो ना बाबा कि जब भाई जो है जिनका फाउंडेशन ही ऐसा रहा होगा, जिनका फाउंडेशन मुखवंशावली का रहा या कुखवंशावली का रहा, कुखवंशावली का फाउंडेशन डाला है या मुखवंशावली का फाउंडेशन डाला, ज्ञान से आकर्षित हुए मुखस्था ज्ञान सुनकर के आकर्षित हुए या कोख से देह से शरीर को देख करके आकर्षित हुए, अभी जो बात है वो कुखवंशावली की लिस्ट में आए या मुखवंशावली की लिस्ट में आए, कुखवंशावली बनाना है वो तो ब्रह्म कुमार कुखवंशावली बनाएंगे, वो तो ब्रह्मा को ही मानते रहे, ब्रह्मा की ही बोध उनको प्यारी लगी, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातें ज्ञान उनको पसंद नहीं, ज्ञान की बातें हमको मत सुनाओ, हमने बहुत ज्ञान सुना हुआ, तो भगवंतावली है या भगवंतावली, तो है ही भगवंतावली, उनकी तो बात छोड़ दो, वो भगवंतावली यहाँ तो मत बनाओ।
जैसे कि टीवी में मुरली सुनते हैं, अचानक से कोई ध्यान में नहीं चलता और आ गया, मतलब मुरली सुन ली, तो उसका पाप लगता है कि नहीं लगता है? बात बता रही हूँ, बाद में ना, मैं आपको बाद में नहीं जाएगा। परिवार के लोगों के लिए तो पहले ही बाबा ने बोल दिया, तुम्हारा पूरा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा आगे से, उन्हें क्या चिंता? उसके लिए तो बोल दिया ना, तो वरदान दे दिया कि जो भी एडवांस में चलेगा उसका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो नहीं परिवार के बाद ही आज नहीं तो कल वो निकलेंगे। चलो रात भर तुम्हें रात घराने में नहीं आएंगे, कम से कम प्रजा घराने में तो आए जाएंगे। भाई जैसे ज्ञान में चलते हैं, माता जी की लौकिक में ज्ञान में चल रही हैं, लेकिन दो भाई हैं जो गांजा और शराब में लिप्त रहते हैं और शंकर को तो मानते हैं, बहुत पूछते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन ज्ञान में नहीं आ रहे हैं। तो क्या परवाह पड़ी है, बाबा ने बोल दिया तुम्हारे परिवार का एक ज्ञान में आ गया तो पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। जब पूरा परिवार चलेगा ही तो इसकी चिंता क्या करते हैं? बाबा एक तरफ मुरली में बोला है स्वर्ग में जाना कोई मौती का घर नहीं है, और एक तरफ बोला है तो सब भी अगर चलेगा तो स्वर्ग में जरूर जाएगा। स्वर्ग में मौती जाएगी, माफी करना, स्वर्ग में जाना कोई माफी का घर नहीं है। स्वर्ग में मौती जाएगी, माया मौती तो घर स्वर्ग में नहीं जाएगी, जीते जी वो तो अभी सही छोड़ गई मौसी घर में जाओगे, अभी जो एडवांस वाले माफीनामा लिख करके उस मौसी घर में चले जाए तो बड़े प्यार से ले लेंगे, वहाँ जाना बहुत सहज है। और यहाँ कदा नहीं है वो, हाँ वो दो शब्द जो मेरे मुख से सुनेंगे वो स्वर्ग में जरूर जाएंगे, तो वो जो 16 कलश संपूर्ण जो कर आदि में राज्य बनेगा उसमें जाने की बाबा बोलते हैं, बोलते हैं बाबा सत्य को जो राधा कृष्ण वाला जो सत्य होगा उसमें जाने का लक्ष्य देते हैं, यहाँ नारायण बनने वाला जो संघ होगा उसका लक्ष्य देते हैं। बुद्धि में कौन सा स्वर्ग बैठा बाबा, संघ में भी लक्ष्मी नारायण है, जो राधा कृष्ण को जन्म देंगे दादा नेता दानी सोनो ब्रह्मा सरस्वती को माँ बाप बनेंगे, वो वाली आत्मा क्या उनके 18 वर्ष होने तक वो दोनों रहेंगे या वो किसी से वहाँ जन्म लेंगे तो किससे लेंगे? वो पहले बन जाएंगे उसी से लेंगे, क्या क्या होने के बाद? अरे वो मरेंगे ही नहीं, उनका शरीर बर्फ में सुरक्षित रहेगा, कोई प्रॉब्लम ना होगा। हाँ जी, वो तो तुमने कोर्ट लिया नहीं, ध्यान से सुना नहीं लगता, भर्ती कर चुके जन्म देने वाले जो माँ बाप है जैसे बच्चों को जन्म देने वाले होंगे वो भर्ती में दब जाएंगे जीते जी, और आत्मा से बुद्धियों से परम धाम में पहुँच जाएंगे, शरीर उनका यहाँ सुरक्षित रहेगा, और जब विनाश हो जाएगा तो वो आत्मा से किसी शरीर में प्रवेश कर जाएगी, चल पड़ेगी। बाबा अगर टीवी पे आप जिस मुरली सुन रहे हो कोई और कोई आता है बैठ के देखने लगे समझा उसको समझा दो यार, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी पूरी बात, इसके लिए आज की बात समझने के लिए तो थोड़ा अलग हो सन्यासी रहे होंगे उनकी बुद्धि में आएगा, अजीब भी होते हैं ना, सच्ची बात को जल्दी मानते नहीं है तो उनको कठिनाई पैदा हो जाती है। अगर जो बाप परमात्मा बोलता है एक बार मान लिया कि ये बाप है, परमात्मा बाप है, ये सच्चा बाप है, तो उसकी बात माननी चाहिए ना, बात मानेंगे नहीं तो फिर अंजाम बुरा निकलेगा, अंजाम बुरा निकलता है तो कैसे बस हमारे जन्म ना होते तो अच्छा। अरे ज्यादा से ज्यादा जन्म लेना, ज्यादा से ज्यादा अनुभवी बनना अच्छी बात है या खराब बात है?
जो आत्मा 84 का चक्कर लगाएगी वो ज्यादा अनुभवी होगी या कम जन्म लेगी वो ज्यादा अनुभवी होगी? 84 का चक्कर लगाएगी वो ज्यादा अनुभवी होगी, ज्यादा सुख पाएगी। भगवान का डायरेक्ट बच्चा बनेगी। हाँ भाई बाबा कलयुग की गिरेगी ना, कलयुग की कलयुग कितने दिन रह गए, कलयुग के कितने दिन रह गए? जब तक तुम चलाओ कलयुग तब तक हम तो आवे लगातार शिव बाबा को याद करना शुरू कर दो अभी से ही, तुम्हारी सती आ जाए भूलो मत। शिव बाबा को भूल जाते तो कलयुग आ जाता है। जहाँ बाप वहाँ पाप नहीं, जहाँ पाप नहीं वहाँ बाप की माया, और जहाँ बाप नहीं वहाँ बाप की माया। बाबा जैसे कि ज्ञान चलते हैं परिस्थितियाँ क्यों आ रही है? ये तो मैंने पैसे देने में तुमने दूसरों को परिस्थिति पैदा की है ना, दूसरों के सामने आते बने है ना तो परिस्थितियाँ आई, दूसरों को बिगन पैदा किया आदमी का हमारे सामने वही है। आप बड़े जी के चार हाथियों हैं, दो हाथ क्या हाथ है? अच्छा कोर्स ले सब तुम्हें सब लक्ष्मी नारायण वो वाइब्रेशन से प्यार करते हैं, ऐसे वो ऐसे बैठे वो वहाँ बैठे वो यहाँ बैठे एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। और उनमें इतनी ताकत नहीं है नीचे वालों, वो उनके बच्चे हैं ना, तो बच्चों में ज्यादा ताकत होती है माँ बाप में ज्यादा ताकत, तो माँ बाप में वाइब्रेशन की ताकत है, वाइब्रेशन की ताकत नहीं है, इसलिए ये दृष्टि से देखते हैं तब देख पाते हैं। क्या उनका तीसरा नहीं तो खुला हुआ, इनका तीसरा नहीं तो नहीं खुला था, जब उनका किया था नहीं उनका तीसरा नहीं तो खुला ही नहीं, इसलिए वो आँख होते कौन ऊपर वाले लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण बनते हैं, मम्मा बाबा बनेंगे। सतयुग में ये इसी समस्या यहाँ की तरह खाना आना होगा तो यहाँ पे अलग से कुछ वगैरह। सतयुग में सारा काम प्रकृति करेगी, कुदरत करेगी, हमें कोई काम करने की दरकार नहीं। क्या खेलो आओ मस्त करो मस्त करो आओ पियो मस्त करो संगीत होगा। अरे बांसुरी बजाओ बाबा। मुखवन सावली हम ब्राह्मण हैं तो हमें ये छूट दी जाएगी, हम सामने से मुझे सुन सकते हैं? कौन मना करेगा? तुम जब मस्ती कर चुके, बाप के बच्चे बन चुके, बाप के घर में जन्म ले लिया तो तुम मना कौन करेगा? शिवरात्रि उत्सव क्या फर्क है? जो छत्तर से मना रहे हैं वो शिवरात्रि है क्या? और 2018 के बाद होगी शंकर जी की शादी करते हैं शिवरात्रि को, शंकर जी को शंकर जी का पाठ तो पता नहीं चला दिया, तो शंकर जी अकेले रहेंगे या दुकेले हो जाएंगे? तो कब हो जाएंगे? लेकिन वालों की बुद्धि में बैठेगा तो कहेंगे अच्छा चलो हम तो जाते राजा नहीं बने बाबा। जो पिंकी वाले हैं एडवांस का हमें ज्ञान सुना तो लोगों को छुट्टी क्यों छूटती है? कहते हैं कि हमें तो इससे भी ज्यादा ज्ञान है, हम इतने साल से हमें मतलब 3 साल हो गए वो तो अभी आया है। हमें सुनाओ तुम्हें ज्यादा ज्ञान है तो हमें सुनाओ, तुम्हें सुना ही नहीं। बाबा कहते हैं
मैं उनको भी बात पूरा कर लेंगे हाँ हमें बहुत आता है तो हमें सुनाओ तुम हमें सुनाओ हमें जो जो बात समझ में नहीं आएगी तो सुनाओ तो बाबा जैसे कि आपको यहाँ कुछ समझ नहीं आता तो आप उसको इतनी दो तीन बार बताते वहाँ पे एक ही बार कुछ और नहीं आता तो कैसा होती है समझते हैं एक बार ही समझ में नहीं आता क्रोध होगा तो क्रोध छोड़ेगा ज्ञान होगा तो ज्ञान छोड़ेगा शिव बाबा कितनी बार सुनाता है रोज कहता है मुझे याद करो मुझे याद करो मुझे याद करो अपने बात को समझो अपन याद करो रोज कहता है रोज भूल जाते हैं बच्चन को जैसे एक गिलास दूध रखा है बोलते हैं ऐसे क्या करें ये दूध खूब मीठा हो जाए तो जितना गुड़ डालेंगे ऐसे शिव बाबा कहते हैं जितना तन बल लगाएंगे जितना धन बल लगाएंगे जितना मनोबल लगाएंगे जहाँ हमारा तन होगा तन की ताकत लगाएंगे तो मन नहीं जाएगा बाबा अगर तन की ताकत लगाएंगे तो जहाँ कारखाने में धन लगा दिया सारा बिना चले जाओ इंडिया छोड़ करके कारखाने की तरफ बुद्धि जाएगी कि नहीं जाएगी ऐसे ही जहाँ हमारा तन होगा जहाँ हमारा धन होगा बाबा को तो भूल जाते हैं जैसे कि कहीं कुछ पैसे रखे हो तो उससे नहीं भूलते बुद्धि लगी हुई है बाबा अगर ये कि बाबा से जो ज्ञान रत्न मिल रहे हैं वो 84 जन्म तक स्थूल रत्न बन जाएंगे ये बात बुद्धि में बैठ जाए तो बाबा याद रहेगा चोट में जाएगी आग लगाएगी सरकार ले जाएगी बाबा जैसे मुंडी में बोला गया है कि किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है और फिर ये भी कहा गया है कि अगर संपूर्ण नारायण वाली अपनों को अगर याद करते हैं तो जैसा काम समर्पित तो गति हो जाएगी वो याद करेंगे वैसा बन जाएंगे सहज याद तो वही होगी जो नारायण को याद करेंगे हाँ ये तो सबसे सहज याद होगी बाबा ठीक है तो फिर सर क्यों बोला किसी देहधारी को याद नहीं करता किसी देहधारी जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई हो उसको कहते हैं देहधारी नारायण की बुद्धि आत्मा में धरी हुई होती कि देहधारी में धरी हुई होती तो तुम बाबा को भी देहधारी समझते हो अच्छा टाइम हो गया देर हो जाएगी खूब याद करो दवाई तुम्हारी बुद्धि की चाबी होती थी घूमेगी।